हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू स्टूडेंट्स राय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत सारे लोग गूगल में सर्च कर रहे हैं कि नीट एमटीएस 2022 की जो एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम की पोस्टपोन होने वाला है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग देखिए सर्च कर रहे हैं, ट्विटर में सर्च कर रहे हैं, देखिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन है या नहीं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं ये बात सही है नहीं तो झूठ है। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप जब गूगल पर आप सर्च करते, देखिए आपका जो नीट एमटीएस एग्ज़ाम लिख के, तो देखिए यहाँ पे देखिए कहीं भी आप देख सकते हैं आपका जो एग्ज़ाम पोस्टपोन होने का कोई न्यूज़ यहाँ पे नहीं है। देखिए दो, देखिए 2 आवर्स एगो ये न्यूज़, देखिए यहाँ पे भी देखिए कोई न्यूज़ नहीं है आपका जो एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के। तो फ्रेंड्स, तो आपको देखिए ट्विटर में, देखिए ट्विटर में आप जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी देखिए आप, देखिए आपका जो पोस्टपोन होने का कोई ठोस सबूत यहाँ पे नहीं है। फ्रेंड्स, तो कृपया ये सब जो बातें हैं उसके ऊपर आप ध्यान ना दें। और देखिए, चलिए एक न्यूज़ को आपको दिखा देते हैं। एक न्यूज़ देखिए यहाँ पे, देखिए आपका जो न्यूज़ देखिए क्या बता रहा है, नीट एमडीएस 2022 एडमिट कार्ड इज रिलीज टुमारो, यानी कल 25 अप्रैल आपका जो एडमिट वो रिलीज होने वाला है, और आपका जो एग्ज़ाम देखिए वो मई 22 का जो एग्ज़ाम वो होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपका जो एडमिट कार्ड आप कल डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उसका जो एक वीडियो मैं आज आपको इस चैनल में दे दूंगा, आप नीचे देखिए कमेंट और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, और वीडियो के एंड में आप देख सकते हैं वो लिंक वीडियो, वहाँ से आप एडमिट कार्ड देख के डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप कैसे डाउनलोड करेंगे? तो फ्रेंड्स, तो बात ये है कि आपका जो एग्ज़ाम पोस्टपोन होने का कोई अभी तक ऑफिशियली न्यूज़ नहीं आया, और आप खुद भी आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, ट्विटर में सर्च कीजिए, और आप देख लीजिए, और यहाँ पे सबसे लिखा है आपका जो एडमिट कार्ड वो कॉल आने वाला है। फ्रेंड्स, तो ये है सच्ची बात। और फ्रेंड्स, एडमिट कैसे डाउनलोड करेंगे उसका जो वीडियो मेरे चैनल में है, देखिए और वीडियो को जरूर देखें। फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।